हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये सीरीज का पांचवा वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और गोल्ड की होल्डिंग होना आपके पोर्टफोलियो में क्यों जरूरी है। वेल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक स्किल है जिससे आप स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद सकते हैं और इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इमरजेंसी के टाइम पर आपके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए आपको एक हाई रिटर्न पोर्टफोलियो बनाना है जहां पर आप साल का 20-30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे कम। और वहीं पर अगर आपको एक मॉडरेट रिटर्न पोर्टफोलियो बनाना है जहां पर रिस्क भी थोड़ा कम हो कंपेयर टू हाई रिटर्न पोर्टफोलियो, जहां पर आप साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 18-20%, 22% तक का, तो ऐसे पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से आपको कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलेगा और टेक्निकल एनालिसिस से आपको स्टॉक के ट्रेंड का पता चलेगा। क्योंकि हम एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ही अपने पोर्टफोलियो में परचेज करना चाहेंगे और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे फार्मा, एनर्जी, फाइनेंस, रियल स्टेट, FMCG, एविएशन, टेलीकॉम और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ऐसा करने से एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक या दो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे पर बाकी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेक्टर्स कौन से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में आइडियली वो सेक्टर्स होने चाहिए जो कि किसी ब्लैक स्वान जैसे कि कोविड या रिसेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, जैसे कि FMCG, IT, हेल्थ केयर। इन सेक्टर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, इनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो सेक्टर्स हैं जैसे रियल स्टेट, ऑटो, ट्रैवल, टूरिज्म, ये वाले सेक्टर्स रिसेशन या ब्लैक स्वान जैसे कोविड इन टाइमों में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं होती कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कोई न्यू व्हीकल लेना या फिर ट्रैवल करना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से सेक्टर सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कभी किसी न्यूज़ की वजह से या कोई मेजर इंसिडेंट की वजह से शेयर मार्केट काफ़ी गिर जाती है, और जब ऐसा होता है इसमें काफ़ी सारी फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर भी 20-30% नीचे आ जाते हैं, पर इन कंपनीज में कुछ बुरा नहीं हुआ होता, बल्कि कंपनीज तो प्रॉफिट्स बना रही थी, ग्रो कर रही थी और रेगुलर डिविडेंड्स दे रही थी। जैसे कि कोविड की शुरुआत में स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गई थी और TCS, विप्रो, बजाज फाइनेंस, नेस्ले जैसी कंपनीज के जो शेयर्स थे उनमें काफ़ी गिरावट आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये टाइम होता है जब आप इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, पर जब स्टॉक मार्केट इतनी गिर जाती है तब लोग घबराए हुए होते हैं ये सोचकर कि मार्केट और ना गिर जाए। पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इकॉनमी ठीक होगी तो इवेंचुअली ये शेयर्स वापस ऊपर आ जाएंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। वेल, लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज होनी चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो के कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट करनी चाहिए एक सिंगल स्टॉक या कंपनी पे। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 रुपए का है, तो आइडियली आपको 3-5% से ज़्यादा एक सिंगल कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है 1,00,000 का 3% होता है 3,000 और 5% होता है 5,000। तो किसी भी सिंगल कंपनी पे आपको 3,000 या 5,000 से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम एक एवरेज ले लें 3,000 और 5,000 की, जो होती है 4,000, और अगर हम 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर कंपनी पर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 1,00,000 रुपये हैं, इसमें हम 12,000 कम कर देंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैलेंस बचा 88,000। अब 88,000 को डिवाइड कर देते हैं 4,000 से, जो हो जाता है 22। इसका मतलब है आपके पोर्टफोलियो में 22 कंपनीज ऐड हो सकती हैं और 12,000 का गोल्ड ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइडियली आपके पोर्टफोलियो में 20-30 कंपनीज होनी चाहिए। इससे आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, और अगर कभी आपको लगता है कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उसको बेच सकते हैं और कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 20-30 कंपनीज मॉनिटर करना भी इतना मुश्किल नहीं है,
और विद टाइम और प्रैक्टिस जब आपको लगे कि आप 20 से 30 कंपनीज आराम से मॉनिटर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप 5 से 10 कंपनीज और ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक लमसम अमाउंट जोड़ना चाहते हैं तो आप वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लीजिए। वैल्यू स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स तीनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार। और आपको 10-15% गोल्ड का रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब है कि आप पोर्टफोलियो का रिस्क डाइवर्ट कर रहे हो एक सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में, कि कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गई तो जनरली इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक से निकाल के गोल्ड में डाल देते हैं, और क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है तो ऐसे में गोल्ड बहुत नीचे नहीं आता। इनफैक्ट जब मार्केट सेंटीमेंट वीक होता है गोल्ड एप्रिशिएट करता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 का है और आपके 85,000 इन्वेस्टेड हैं स्टॉक्स में और 15,000 इन्वेस्ट हैं गोल्ड में और मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आ जाती है, ऐसे में अगर आपके स्टॉक्स में जो 85,000 इन्वेस्टेड हैं उसमें 20% की करेक्शन आ जाती है तो 85,000 का 20% हुआ 17,000, और हम 85,000 में से अब 17,000 कम कर देते हैं जो हुआ 68,000, इसका मतलब आपके स्टॉक्स की वैल्यू 68,000 रह गई, पर गोल्ड अप्रिशिएट हो गया बाय 40%, जो थोड़े टाइम पहले हमने देखा भी था जब COVID-19 में मार्केट क्रैश हुई, गोल्ड 40% से 50% अप हो गया। तो आपकी 15,000 जो गोल्ड में इन्वेस्टेड थे वो 40% अप्रिशिएट हो गए, और 15,000 का 40% हुआ 6,000, जिसका मतलब है आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का मुनाफा हुआ। तो टोटल हो गए 15,000 प्लस 6,000 जो हुए 21,000, और आपके स्टॉक्स की करंट वैल्यू है 68,000 प्लस 21,000 गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो टोटल हुए 89,000। गोल्ड में इन्वेस्ट करने की वजह से आपके पोर्टफोलियो सिर्फ 11,000 डाउन हुआ 1,00,000 से, और अगर आपने पूरे 1,00,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो सेम 20% की करेक्शन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो 20,000 नीचे आ जाता, जो हो जाते 1,00,000 - 20,000 जो हुए 80,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब आपने गोल्ड में 15% इन्वेस्ट किया तो आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 से 89,000 पर आया, और जब आपने 1,00,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए तो आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 से 80,000 पर आ गया। इसलिए पोर्टफोलियो में हेजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप गोल्ड को गोल्ड बीज के फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, ये हाईली लिक्विड है, आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, एक सिंगल कंपनी में अपने पोर्टफोलियो की कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट करनी है, आइडियली कितने स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और हेजिंग क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।